राजस्थान प्रदेश वासियों को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दीपावली आपके आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो, समृद्धिशाली हो, खुशहाली लेके आए। आप सबको मालूम है कि इस बार कोरोना जंग के साथ में मुकाबला हो रहा है पिछले 7-8 महीनों से। आप सबके सहयोग से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी मुकाबला करने में। लॉकडाउन के दरमियान में भी सामाजिक सरोकार हो उसको निभाया गया, आम जनता तक राहत पहुंचाने का काम किया गया, और आप लोगों ने भी, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, और तो और जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, सब ने मिल कर के लॉकडाउन के दरमियान में जो मुकाबला किया है कोरोना का, उसे राजस्थान की छवि देश में और दुनिया के अंदर अलग बनी है। ये मुकाबला अभी तक हमें करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, सरकार को कमी नहीं रख रही है। व्यवस्था करने के अंदर, आधारभूत ढांचा तैयार करने के अंदर, मेडिकल के अंदर हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छी है, मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। मैं आगाह करना चाहूँगा कि तमाम एक्सपर्ट की राय है, डॉक्टर की राय है कि बिना वैक्सीन के मास्क ही वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, हाथ धोना बार बार बहुत आवश्यक है। इसी से बचाव होगा, बचाव खुद को खुद का करना पड़ेगा, और खुद का ही नहीं, खुद के माध्यम से और लोगों का बचाव होगा। कई बार खुद संक्रमण होते हैं तब भी कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं, वो व्यक्ति जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो वो कोरोना फैलाता जाएगा, क्योंकि उसके कोई सिम्टम नहीं है, पता ही नहीं मैं कोरोना का पॉजिटिव हूँ। अगर वो मास्क नहीं लगाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर देगा। तो जो संक्रमित होंगे वो भी अगर मास्क लगाए हुए होंगे तो ये प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। इसलिए अवश्य है कि मास्क को लगाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमने जागरूकता अभियान चलाया राजस्थान के अंदर, जन आंदोलन का नाम दिया है, उसमें हम आप सबको इन्वॉल्व किया है, उसका बहुत शानदार इम्पैक्ट पड़ा है। आज मैं कह सकता हूँ 90-95% अधिक लोग मास्क लगा रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। दीपावली पे पटाखा छूटते हैं, पटाखों से जो जहरीला धुआं निकलता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए मैं मजबूर होकर के पटाखों पे बैन लगाना पड़ा दीपावली के शुभ अवसर पर। अगली बार जब दीपावली आएगी तो हम सब मिलकर के पटाखों के साथ में दीपावली मनाएंगे। अभी सवाल इस बात का है, पटाखों के धुएं से जो कोरोना फैलेगा कोई कल्पना नहीं कर सकता उसकी। हमने बैन लगाया, उसके बाद में कई प्रदेशों ने बैन लगाया है, और बहुत ही खतरनाक धुआं निकलता है, प्रदूषण खराब होता है, उससे बचाव करना आवश्यक है। हमारे लिए हमारा ध्येय है कि इस प्रकार से राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बिगड़े नहीं, कोरोना से ग्रसित नहीं हो, संक्रमित नहीं हो, ये हमारा ध्येय बना हुआ है। अनुभव ये भी कहता है कि त्योहारों के अंदर जो भीड़ पड़ती है वो भी खतरनाक होती है, उससे आपको बचना पड़ेगा। केरल के उदाहरण हमारे सामने, केरल प्रदेश के अंदर पूरी तरह कोरोना समाप्त हो गया था, ओणम का त्यौहार आया, वहाँ पर दीपावली की तरह चहल पहल रही, आज उसके बाद में लगातार संख्या बढ़ती जा रही मरीजों की, और 70-80 लोग मर जाते हैं प्रतिदिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता। दिल्ली में देख रहे हैं हम लोग, प्रदूषण बहुत भयंकर है, वहाँ पे भी 1000 तक हो गई थी संख्या मरीजों की, आज वो 8000 पहुँच गई है, और प्रतिदिन 70-80 लोग के मरने की खबर आती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप कृपा करके आप हमारे आग्रह को स्वीकार करें। कुछ हमारे साथियों ने आलोचना भी की हमारी कि आपने, ये धार्मिक त्यौहार है और आपने क्यों लगा दिया बैन पटाखों पर। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ये मामला है जीवन बचाने का मामला। हम चाहते हैं आप सबका जीवन बचे, आप स्वस्थ रहें, और मुझे खुशी इस बात की भी है कल धनतेरस पे
छोटी दीपावली पे जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग दिया, पटाखे नहीं छोड़े, दीपक जला करके उल्लास मनाया, मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोग कमी नहीं छोड़ोगे, दीपावली की खुशियाँ मनाएं, परिवार के संग मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संयम रखें, पटाखे नहीं छोड़ें, दीपक जलाएं आराम से, खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें टेलीफोन के माध्यम से, कम्युनिकेशन करें आपस के अंदर, परंतु कृपा करके भीड़ से बचें, ये मेरी आपसे अपील रहेगी। यही बात कहता मैं पुनः आप सबको प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।